हम सबको इस कार्यक्रम में बार बार बहुत बेहतरीन चीजें और सूक्ष्म जानकारियां मिल रही हैं, जो शायद इन कार्यक्रमों के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती हैं। तो हमारे समाज को इन कार्यक्रमों में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए हमें भी प्रयास करने होंगे। अभी जैसे नवीन जी ने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन दुश्मनों के खेमे से, उनके चंगुल से बाहर निकल आएंगे। यहाँ हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे लोगों को एक शब्द के अड़ में, एक शब्द की जाल में, हिंदुत्व के डंके पर उन्हें जोड़ कर रखा हुआ है, जबकि वो खुद उस शब्द से बचते हैं कि हम वो नहीं है। तो हमें पहले तो अपने लोगों को वहां से निकालना होगा, और वो काम क्रांतिकारी लोग कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात जो बहुत जरूरी है और समाज को समझनी बहुत जरूरी है, एक क्रांतिकारी हजारों क्रांतिकारी तैयार कर सकता है और नेता तैयार कर सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, एक नेता कभी भी क्रांतिकारी तैयार नहीं कर सकता, ना खुद क्रांतिकारी हो सकता, मैं किसी नेता विशेष को नहीं, मैं इतिहास से भरी हुई चीज कह रही हूं। एक क्रांतिकारी अंबेडकर ने हजारों नेता तैयार कर दिए, और प्रेजेंट समय पर खुद भी नेता बनकर संसद तक गए, कानून मंत्री बने, लेकिन एक भी नेता एक भी क्रांतिकारी को तैयार नहीं कर पाया। नेता चापलूस तैयार करता, स्वाभिमान मारता ताकि उसकी चापलूसी करते रहे। समाज में क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है, नवीन जी की जरूरत है, शंभू जी की जरूरत है, गांव में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये नीचे खड़े हैं, जिनकी कोई तनख्वाह नहीं है, अगले दिन इनके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए। उस गांव में काम करने वाले लोगों की इज्जत करने की जरूरत है, जो बिना किसी नेता की भूख लिए, नेता बनने की भूख लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग इनमें भी बहुत बैठे हैं, उनकी बदौलत यह कार्यक्रम सफल होते हैं। तो पहली चीज यह है, नेताओं से क्रांतिकारी कोई नहीं तैयार होता, लेकिन क्रांतिकारियों से हजारों नेता तैयार हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं भी देती हूँ और इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। दूसरी चीज यह है, एक निष्पक्ष कार्यकर्ता निष्पक्ष बात करता है, एक निष्पक्ष पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, तो ये दो ही लोग नेताओं को घेर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ये समय चापलूसी का नहीं बचा है, ये समाज एक डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है, और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशिश की तो हम एक एक करके इसके नीचे दबके मर जाएंगे, और हमने सबने हाथ लगाकर उठा करके इसको बचाया, तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं। तो सबको एकजुट होकर के बचाने की जरूरत है, आज केवल कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया, उसने भी कह दिया, सब कह के जा रहे हैं एकजुट हो, लेकिन क्या गारंटी लेकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे, क्या क्या जिम्मेदारी लेकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे, आज के कार्यक्रम की क्या कोई समीक्षा होगी कि हम बैठेंगे कि हाँ अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा। हमने अपनी बात बोल दी, लेकिन हमारे समाज को क्या लाभ हुआ, हमें इस पर अपनी समीक्षा करनी होगी। मेरे सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत दूर से आए हैं, असम से आया है, कोई पंजाब से आया, राजस्थान से आया, हरियाणा से आया है, यहाँ तक कि बिहार के बहुत सारे लोग जो बेगारी में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी किराया लगा के वो यहाँ तक आए हैं, ये उनकी कुर्बानियों की बदौलत कार्यक्रम हुए हैं। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए, समाज को एक उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से कुछ होगा। दो दिन आप लोगों ने लगाया है, समय लगाया, खर्चा लगाया है, तो इसका रिजल्ट निकालना। और दूसरी बात एक है, हर व्यक्ति लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की है, क्या महिलाएं इस लड़ाई में शामिल नहीं है? हमारे घरों में किसी न किसी रिश्ते में 2 से 4 महिलाएं हर परिवार में उपस्थित हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी महिला एक परिवार की नहीं बैठी है, क्यों? क्या ये महिलाएं उसके बाद जब तुम लड़ाई लड़कर जीत जाओगे तो फिर दोबारा से लड़ाई करेंगी? क्या अब हमें हमारा हक चाहिए? ये लड़ाई तो फिर चलती रहेगी, फिर लड़ाई चलेगी। जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? उनकी रैलियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और आपकी रैलियों में महिलाओं की संख्या कम होती है। आपकी महिलाएं उनके यहाँ कलश यात्रा कर रही हैं और आप यहाँ बैठकर भाषण दे रहे हैं अम्बेडकरवाद का। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो न्यायप्रिय बात करिए, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, हिंदू कोर बिल की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, तो अम्बेडकर की उस बात को याद करिए ना।
मानता हूं कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से आकी जाती है, और आपकी स्थिति आपकी महिलाओं के ना होने से ही पता चल रही है कि आपने कितनी तरक्की करी है। आपने तरक्की तो करी है, लेकिन पुरुषवादी सोच पर, अम्बेडकरवादी सोच पर आपने तरक्की अभी तक नहीं करी है। आप चाहते हो कि वह घर में आपके कपड़ों को प्रेस करती रहे, आप चाहते हो कि वह आपको खाना बनाकर देती रहे, आप चाहते हो कि वह आपके बच्चों को स्कूल भेजती रहे, और आप यहाँ पर भाषण दें। क्या महिलाएं भाषण नहीं दे सकती है? इस मंच पर गोदी लिए मंच लाना है क्या? इन अम्बेडकरवादी पुरुषों के नेताओं के दिल में इतनी भी ईमानदारी और न्याय और सम्मान नहीं महिलाओं के लिए? एक दिन के लिए मंच महिलाओं के लिए खाली कर दें कि आइए, चाहे तुम कैसा भी बोलो, टेढ़ा बोलो, मेढ़ा बोलो, चाहे तुम जो भी कहो, जब तुम सिखाओगे नहीं, इन्हें प्राइमरी में सिखाओगे तो पीएचडी करने की कैसे उम्मीद कर लोगे? इन्हें प्राइमरी क्लास में ही नहीं बिठाओगे तो इन्हें आगे कैसे नेता बना लोगे? कल को फिर नेता बनाने की लड़ाई लड़ना, क्योंकि ये तो वहीं पर घंटी बजाती रहेंगी, वहीं पर बाबाओं को दान करती रहेंगी, वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर से ज्ञान पूछती रहेंगी कल कौन सा कपड़ा पहनना है, कल क्या देना है। आप भले ही अम्बेडकरवाद की बात करो, लेकिन आपकी बीवियां तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि कल कौन सी अंगूठी पहननी है तो आप वही अंगूठी डालेंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कौन से कलर का कपड़ा शुभ है तो वही कपड़ा आपको प्रेस करके टेबल पर मिलेगा। आपको अगर बाथरूम में टॉवल भी यूज करनी है तो महिला बताएगी कौन सी करनी है। भैया तो आप कर क्या रहे हो? आप सब कुछ उनके हिसाब से करके आ रहे हो और यह उनके खिलाफ लड़ रहे हो। ये लड़ाई जीतने के लिए हमें हमारी महिलाओं को तैयार करना होगा। आप यह समाज को तैयार करते हो अम्बेडकरवाद के लिए, वहाँ आपकी महिलाएं तैयार करती है आपके बच्चों को ब्राह्मणवाद के लिए। तो वहाँ से भर रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से भर रहे हैं, यहाँ से खाली कर रहे हैं। तो क्या है हमारी लड़ाई? जो लड़ाई जीतनी चाहिए थी वो लड़ाई हारते जा रहे हैं। आज हर बात अच्छी लगती है मुझे, हर नेता कहता है, मेरी अपील है कि एकजुट होने के लिए बैठकर प्लानिंग करिए। सारे नेता भाषण देके गायब ना हो जाए, आज शाम को बैठे और कहे कि अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा, वरना ये गले की खुजली खत्म की बात खत्म हो गई। जनता ने सुना, हमने बोल दिया, बहुत कुछ भरा पड़ा है। असम से आए हुए एमपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आइडियोलॉजी की कदर करता हूँ, मैं आइडियोलॉजी पर काम करना चाहती हूँ, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस ग्रुप के लिए, अपने परिवार के लिए मैं पूरा जीवन कुर्बान करना चाहती हूँ। आइडियोलॉजी को घर घर तक, महिलाओं तक, आपके बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं देखूंगी कि कितने लोग कहेंगे कि ठीक है, आप जैसे 100 लोगों को हम चलाएंगे रात दिन, और आप जाकर के काम करो। वादा करती हूँ, मैं और मुझ जैसे 100 लोग 2024 तक घर नहीं लौटेंगे, वादा करती हूँ। और मेरे वादे झूठे नहीं होते हैं, मेरे वादे झूठे नहीं होते हैं, ये सामने की जनता भी जानती है। इतना ही बोलती हूँ जितना कर पाती हूँ। तो 100 लोगों को आप हायर करके छोड़ दीजिए। और रही बात जातिगत जनगणना की, वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हमारी पार्टियां भी हैं, संगठन भी हैं, एनजीओ भी है जिनका करोड़ों करोड़ रुपए हैं, एमपी एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं। एक फंड इकट्ठा कीजिए और जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर खुद करवाइए, खुद करवाइए। जितने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन, लगभग 36 लाख संगठन है भारत में, दीजिए इनको काम, करवाइए ना हायर, इनसे करवाइए जातिगत जनगणना। आप करिए अपने आंकड़े खुद तैयार, क्योंकि सरकार नहीं करेगी। और आपकी जितनी भी पार्टी, हमारे जितने भी नेता हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर नेता चुन लो। बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, हम 100-100 लोग, 400-400 लोग अलग अलग इकट्ठे करके इस समाज की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इस समाज में अगर हम चाहते हैं कि हम ये लड़ाई जीते, तो 24 घंटे के लिए एक मंच बनता है, अगर उससे चिपके रहने की जिद रहेगी जिद्दी बच्चे की तरह, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर के हम फॉलोवर कहाँ हो गए? डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था, वो तो नहीं चिपके रहे, वो तो छोड़ दिया था। ये दुख होता है कि ये होना, हिंदू कोड बिल पास होना बहुत जरूरी है, तो आज क्यों नहीं कहते कि ये समाज को आज बचाए रखना बहुत जरूरी है? अकेले नेता ने इतने करोड़ों लोगों की आजादी करा दी, आप हजारों नेता, आज आप इस समाज की आजादी नहीं करा पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई में कमी है। हम एक दूसरे की तारीफें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है तारीफें करना, लेकिन मैं पिछले 12 सालों से तारीफ कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। मेरी लड़ाई तो अब सारी अपने नेताओं के साथ रहेगी, जो भी नेता समाज के लिए ईमानदारी से जुड़कर काम करेंगे सारे इकट्ठे होकर के, उनके लिए मैं और मेरे जैसे हजार लोग रात दिन एक कर देंगे, उनके लिए काम करेंगे। कोई हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, हम रोटी पे काम कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी चीज ये है कि समाज के लिए वो ईमानदारी से खड़ा होना चाहेंगे। आज पार्टियां भी बहुत है, वामन मेश्राम इस मंच पर हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जनसंख्या
गिनती की इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश भर में इतनी मजबूत कर दी। कोई एक नेता उसको कहता आरएसएस का एजेंट है, दूसरा नेता कहता वो आरएसएस का एजेंट है, एक मिनट, तीसरा नेता कहता वो उसका आरएसएस का एजेंट है, एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगा करके समाज में भ्रम फैला देते और अपना अपना आदमी को मजबूत करके रखते हैं। कहां ले जाना चाहते हो इस लड़ाई को, कहां ले जाना चाहते हो इस समाज को, किस दिशा में मोड़ना चाहते हो इस समाज को? मेरी सभी इस समाज के नेताओं से गुजारिश है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, एक दूसरे को गिराने की बजाय, आपका दुश्मन ताकतवर हो रहा है, वो ताकतवर होता जा रहा है, उससे लड़ाई लड़ने के तरीके सोचिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए समाज को एकजुट करिए। अगर आगे कभी भी इस तरह की जिम्मेदारियां हमें मिलती हैं तो हम सब लोग जाकर के ताकि काम कर सके ग्राउंड पर। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं को लेकर के आप लड़ाई लड़िए, आपकी जीत हासिल हो जाएगी। ये महिलाएं, अगर हमारी लड़ाई केवल राजनीति की होती तो हम शायद बहुत पहले ही इस लड़ाई को माननीय कांशीराम के द्वारा जीत चुके थे। लेकिन बात इसके साथ साथ हमारे साथ एक लड़ाई और है व्यवस्था परिवर्तन की, वो जिस व्यवस्था में हम समाज के सामाजिक रूप से नीचे रखे गए हैं, और वो व्यवस्था भगवान, वो व्यवस्था हिंदुत्व, वो व्यवस्था वर्ण, वो व्यवस्था जाति, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक असमानता बना हुआ है। तो उस लड़ाई के लिए आपको हम आदम बर्बाद से पीछे छुड़ाने के लिए आपको महिलाओं को साथ लेना पड़ेगा। आप महिलाओं को साथ लीजिए, इस मंच के ऊपर वो एक एक मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जय भीम, जय समाज।